एक महीने की पैरोल ते बाहर आया गुरमीत राम रहीम नकली है, क्योंकि असली राम रहीम नू जाता मारिया गया जा मारन की कोशिश की गई जा कोई साजिश घड़ी जा रही है। ये कहना है उन्हां डेरा प्रेमियों का जिन्हां दे वल्लों हाई कोर्ट दे विच पटीशन दाखिल की गई कि जो रोहतक की सुनारिया जेल दे विचों एक महीने की पैरोल ते बाहर आया वह राम रहीम नकली है। तो इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के वलों इन्हों डेरा प्रेमियों को फटकार लगाई गई और खरिया खरिया सुनाई गई ने। हाई कोर्ट के वलों कहा गया कि तुहाडे वलों समा खराब किया जा रहा और तुसी कोई काल्पनिक फिल्म देख के आए हो, क्योंकि अजिहा नहीं हो सकता। डेरा प्रेमियों के वलों शक किया जा रहा है कि जो एक महीने की पैरोल से बाहर आया वह नकली गुरमीत राम रहीम है, क्योंकि उसकी हरकतें उसके अंदाज उसका हाव भाव असली वर्गा नहीं, क्योंकि वह चंगी तरह असली गुरमीत राम रहीम नू जानते ने और बिल्कुल ये जो बाहर आया उसके वर्गा नहीं। तो इस शक के नज़रिए उन्होंने वालों हाई कोर्ट के पटीशन दाखिल की गई सी और जांच की मंग उन्होंने वालों की गई सी, पर हाई कोर्ट के वालों अज इन्हां डेरा प्रेमियों की पटीशन नू खारज कर दिता गया और खरिया खरिया फटकारा इन्हां नू लगाईयां गईयां ने। दस दिए कि पटीशन दे विच इन्हां डेरा प्रेमियों के वलों कहा गया सी कि जेल दे विचों बाहर आया राम रहीम नकली है, क्योंकि उसके हाव भाव पहला वर्गे नहीं रहे। असली राम रहीम राजस्थान तो किडनैप हो चुका है अते नकली राम रहीम गद्दी लैना चाहुंदा है। पटीशन दायर करने वाले चंडीगढ़ तो इलावा पंचकूला और अंबाला दे रहन वाले ने। उन्होंने हरियाणा सरकार हनीप्रीत और डेरा सिरसा दे प्रबंधक पीआर नैन नू पार्टी बनाया। इन्हां डेरा श्रद्धालुओं ने दस्या कि उन्हां नू सूत्रां तो पता लग्या कि असली डेरा मुखी नू अगवा करन तो बाद नकली नू जेल दे विच डक दिता गया। हुण इस नकली नू असली बना के डेरे की गद्दी हथियाउण की कोशिश की जा रही है। डेरे की गद्दी लई असली डेरा मुखी मारिया गया जां मारिया जाएगा। जेल दे विचों बाहर आए नकली गुरमीत राम रहीम की जांच होनी चाहिए है। पटीशनकर्ता ने यह भी कहा कि उन्होंने कुछ पुराने दोस्त कुछ दिन पहला डेरा मुखी नू मिलन वास्ते आए सी, पर इस डेरा मुखी दे वल्लों उन्हां नू पछाणिया ही नहीं गया। इस तो साफ हो रहा कि यह नकली डेरा मुखी है। गुरमीत राम रहीम दे असली ते नकली होण नू लैके सोशल मीडिया से काफ़ी समय तो बहस भी चलती आ रही है और जो वीडियो गुरमीत राम रहीम दे वल्लों जारी की गई उस नू भी शक दे घेरे दे नाल देखा जा रहा इन्हां कट्टड़ डेरे प्रेमियों दे वल्लों। डेरा सच्चा सौदा दे समर्थकां दा एक समूह दावा करदा नज़र आ रहा कि जेल दे विच बंद डेरा मुखी फर्जी है, इसलिए जांच होनी चाहिए है। पटीशन दे विच इन्हां कट्टड़ डेरा प्रेमियों दे वल्लों कहा गया कि जेल दे विचों बाहर आए डेरा मुखी दे विच उन्हां नू काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखण नू मिलिया। उन्हां कहा कि डेरा मुखी दा कद 1 इंच वध गया, उंगलों की लंबाई और पैरों का आकार भी बढ़ गया है। वीडियो विच देखा गया कि उसके चेहरे और हाथों विच मास्किंग सी जो बदल गई है। और इस पूरे मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सिरसा गुरमीत राम रहीम के कुछ कट्टड़ पैरोकारों वालों डेरा मुखी की थान डम्मी व्यक्ति होने के दोष वाली पटीशन को धुर तो ही खारज कर दिता और खरिया खरिया सुनाई गई ने। दस दिए कि गुरमीत राम रहीम दो रोहतक की सुनारिया जेल के बंद सी, एक महीने के वास्ते जेल के बाहर आया पैरोल से, तो उसके वालों वीडियो भी जारी की जा रही ने। तो कुछ डेरा प्रेमी ने जो उसनू शक दे घेरे नाल देख रहे ने कि यह असली डेरा मुखी नहीं जो पहला हुंदा सी, क्योंकि इसके हाव भाव बिल्कुल बदले हुए ने। पैरों के आकार की गल कही गई, हत्थां दीयां उंगलियां की गल कही गई, इस तो इलावा उन्होंने कद का भी जिक्र किया कि 1 इंच बढ़ गया है, जबकि गुरमीत राम रहीम पहला वर्गा नहीं रहा। उसकी जगह पर किसी डम्मी व्यक्ति नू बाहर लिया गया जेल के विचों। तो हाई कोर्ट के वलों सख्त टिप्पणियां की गई, फटकार इन्हां डेरा प्रेमियों नू लगाई गई है। और इस पूरे मामले के बारे डेरा सौदा दे वकील का की कहना है, आओ तुहानू एक बार वह भी सुना दें। हाँ,
कि ये डेरा विरोधी ताकतें हैं और असामाजिक तत्व हैं, जो इन्होंने आज ये पहली बार ऐसा नहीं किया, ये पहले भी ऐसे करते रहे हैं। 2019 में भी इन्होंने एक पिटीशन हाईकोर्ट में डाली थी, जिसमें इन्होंने ये आरोप लगाया था कि पूज्य गुरुजी की जान को खतरा है सुनारिया जेल के अंदर, उनको सिक्योरिटी थ्रेट है। तो उस समय भी हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए रोहतक के सेशन जज को इंक्वायरी मार्क की थी कि रोहतक के सेशन जज साहब सुनारिया जेल में जाएंगे और सारी इंक्वायरी करके और इस रिपोर्ट को हाई कोर्ट में सबमिट करेंगे। तो उसमें भी रोहतक के सेशन जज साहब जब पूज्य गुरुजी के पास गए, उन्होंने बताया कि आपके द्वारा, आपके समर्थकों द्वारा इस तरह की कोई याचिका दायर की गई है। उस समय भी पूज्य गुरुजी ने कहा था भी हमारी तरफ से या हमारे समर्थकों की तरफ से ऐसा कोई याचिका हमारी तरफ से नहीं दी गई है कि हमने कोई दायर की हो। और जब ये सारी जांच की गई तो ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया कि उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, उनकी जान को वहाँ कोई खतरा था। तो उस समय जब ये सारी जाँच करके, इंक्वायरी करके ये रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट करवाई गई रोहतक के सेशन जज साहब के द्वारा, तो उस रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने इन्हीं लोगों को 50,000 रुपये का जुर्माना लगा के उनकी याचिका को खारिज किया था। आज दोबारा ये वही लोग हैं जो उस समय कह रहे थे कि जान को खतरा है, जो अपने आप को हिमायती दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम पूज्य गुरुजी के हित के लिए लगे हैं, वास्तव में ये किसी के हाथ की कठपुतली बनकर कोई गहरी साजिश को अंजाम देना चाहते हैं, किसी ना किसी तरह से गुरुजी के केसों को प्रभावित करने की ये साजिश रची जा रही है। वही कोर्ट ने, जैसे पहले की तरह उनको जब ऑर्डर उन्होंने देखा, इसी सेम कोर्ट ने जब ये ऑर्डर किया था, तो आज भी हाई कोर्ट ने यही कहा कि इस तरह की फ्रिवोलस पिटीशन डालकर आप कोर्ट का समय बर्बाद ना करें। तो इस तरह की टिप्पणियां करके हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगाते हुए आज भी उनकी याचिका को विद कॉस्ट खारिज किया है।